क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो इस क्वेश्चन में हम पहले जो दो टर्म्स हैं उनको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, उनके नीचे 1 मान लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1, 1 और 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में तीन फ्रैक्शंस का एलसीएम 3 हो जाता है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो एक्स का भी 3 से करेंगे, 3x हो जाएगा। 1 का यहाँ पे 3 से करेंगे तो 7 का भी 3 से किया तो 21 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो न्यूमरेटर का 8x बचता है। राइट हैंड साइड में 6 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, नंबर 17 एज इट इज आ जाएगा। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का 3 से करेंगे सो 15x आ जाएगा न्यूमरेटर। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, 3x और -8x, 3x -8x हमें -5x मिलता है, +21 अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 -15x अपॉन 6। सो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये जो 6 है इसको क्रॉस में इधर ले सकते हैं। सो 6 -5x +21 अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 -15x। अब 6 मैंने इधर इसलिए लिया क्योंकि 6 जो है बड़ा नंबर है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 2 10 हो जाएगा, -10x +21 2 42 इक्वल्स टू 17 -15x। अब ये जो 15x है नेगेटिव है, इसको मैं लेफ्ट साइड ले लूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 15x और यहाँ पे -10x बचा हुआ है। ये जो 42 है यहाँ पे, इसको मैं राइट में शिफ्ट कर दूंगा, सो इट विल बी -42 एंड 17 यहाँ पे ऑलरेडी है +17। 15x -10x इज इक्वल्स टू 5x, 42 -17 इज इक्वल्स टू 25। एक्स इज इक्वल्स टू -25 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू -5। सो आंसर इज -5।